हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैच के बाद या सीरीज के बाद जो प्लेयर्स की जर्सी होती है उनका क्या होता है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों जो जर्सी प्रोवाइड करी जाती है किसी भी प्लेयर को वो सीरीज के हिसाब से जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 5 मैचों की सीरीज है तो आपको 6 से 7 जर्सी प्रोवाइड करी जाएगी। दोस्तों मैच या सीरीज के बाद जर्सी का होता क्या है? मैच या सीरीज के बाद जर्सी का ऐसा होता है खिलाड़ी चाहे तो उसे अपने पास रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी तो उसे याद के लिए वो जर्सी अपने पास ही रखता है, कई बार ऐसा देखा गया है। या फिर ऐसा होता है कि वो ट्रस्ट में दे देते हैं, जब वो ट्रस्ट में देते हैं या फिर वो नीलाम करवाते हैं जो उससे पैसे आते हैं वो ट्रस्ट में दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्सी भी ट्रस्ट में देते हैं या फिर जो उस जर्सी को नीलाम कराने के बाद पैसे आते हैं वो जर्सी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। और ट्रस्ट में वो बच्चों की खुशी के लिए ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। अच्छा तो लगता है किसी अच्छे क्रिकेटर की जर्सी अगर आपको मिलती है। या फिर वो ऐसा भी करते हैं मैच के बाद वो प्रॉपर वॉशिंग के बाद उसे दोबारा यूज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो मैच यूज नहीं कर सकते, वो दोबारा मैच में यूज कर सकते हैं, चाहे तो उसे प्रॉपर वॉशिंग कराएं और चाहे तो यूज करते हैं। मतलब प्लेयर की मर्जी होती है कि वो चाहे जो करे सो करे। इसके बाद बात करते हैं कि सारे ऐसा होता है कि 7 से 8 जर्सी मिलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी यूज हो जाएंगी। अब जो नई बच्ची होती है जिन्हें किसी ने पहना नहीं होता है तो उसमें आता है कि उसे रिसाइकिल कराया जाता है। मतलब वो वापस BCCI को करते हैं, BCCI जिस कंपनी की जर्सी है उसे वो वापस करती है, और वापस होने के बाद वो कंपनी उसमें मॉडिफिकेशन करके, जैसे आपने देखा होगा जर्सी चेंज हो जाती है तो उसे मॉडिफिकेशन करके यहाँ कंपनी को मतलब BCCI को रिटर्न करती है, और BCCI फिर प्लेयर को रिटर्न कर देती है। इस हिसाब से वहाँ पे कंटिन्यूस चलता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।